Ah, शुरू करें जी। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात के हवाले से एक वाइट पेपर जारी कर रही है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 2018 में जो पाकिस्तान में प्री पोल रिगिंग और इंतखाबात में धांधली के ज़रिए सिलेक्टेड हुक्मरान मुसल्लत करने का तजुर्बा किया गया, इसी का रीप्ले गिलगित बल्तिस्तान में किया गया और हम मुसलसल इस बारे में कौम को आगाह करते रहे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक़ के नुमाइंदगी को, उनकी वोट की इज्जत को पामाल किया जा रहा है। आज पाकिस्तान एक दुराहे पर खड़ा है, पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पे खड़ा है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अपने वोट की इज्जत का हक मांग रहे हैं और तारीख ये बतलाती है कि जिस मुल्क में उसके अवाम के वोट की इज्जत नहीं की जाती, उस मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ जाती है। पाकिस्तान से बड़ी दुनिया में कोई मिसाल नहीं कि जहां वोट को पामाल करने के नतीजे में हमने आधा मुल्क खो दिया। पाकिस्तान दुनिया की वो रियासत है, शायद चंद उन रियासतों में, कि जिसकी तश्कील, जिसकी तख्लीक किसी खून खराबे से या खाना जंगी से नहीं हुई थी। पाकिस्तान की तश्कील वोट की ताकत से हुई थी। पाकिस्तान के डीएनए में वोट की इज्जत का तसव्वुर एक रियासत की बुनियाद या असास के तौर पे मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से 72 सालों में पाकिस्तान में वोट की इज्जत के साथ जो ड्रामा किया जाता रहा, जो खेल खेला जाता रहा, आज उसका नतीजा ये है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलकत जो 14 अगस्त 1947 को मारज़े वजूद में आई थी, वो अपना आधा वजूद खो चुकी है। और बाकी मांदा पाकिस्तान में भी हचकोले आते रहते हैं, चूँकि अवाम के वोट की इज्जत नहीं की जाती, अवाम के वोट पे डाका डाला जाता है, अवाम के वोट की तौहीन की जाती है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का नहायत हसास खिता है। ये वो खिता है कि जो पाकिस्तान को चीन से मिलाता है। ये सी पैक के हवाले से भी स्ट्रेटिजिक अहमियत रखता है और इस हवाले से हमारे लिए ज़रूरी था कि हम गिलगित बल्तिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा ना होने दें, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अच्छी हुक्मरानी से, गुड गवर्नेंस से तरक्की खुशहाली के समरात दें, ताकि वहाँ पर किसी दुश्मन को इंस्टेबिलिटी पैदा करने का मौका ना मिले। और 2015 से 2020 तक मुस्लिम लीग नून की 5 साल हुकूमत इस बात की गवाह है, वो दौर गवाह है कि गिलगित बल्तिस्तान में जितनी खिदमत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने की, हमारे मुखालफीन भी ये मानने पर मजबूर थे कि 72 सालों में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कभी इतना तरक्याती काम, इतने बड़े मंसूबे जो नवाज शरीफ साहब की निगरानी में शुरू किए गए, शाहराओं के, तालीम के, सेहत के, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के,
रोजगार पैदा करने के कभी इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में नहीं किए गए थे, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये हक नहीं दिया गया कि वो खिदमत करने वाली हकूमत को दोबारा मुंतखब करें, बल्कि वहाँ पर अभी हफीज़ुर रहमान साहब जो साबिक वज़ीर आला हैं और सदर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो आपको बतलाएँगे कि किस तरीके से इनकी हकूमत के आखिरी अयाम में मुस्लिम लीग नून की हकूमत के हाथ पैर बांधे गए ताकि उसे मफलूज किया जाए, किस तरीके से वहाँ पे मनपसंद सियासी निगरान हकूमत कायम की गई, किस अंदाज में इलेक्शन शेड्यूल तब्दील होता रहा, किस अंदाज में इंतज़ामी अफसरों को रिटर्निंग अफसरों की ड्यूटियाँ दी गईं, किस तरह वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म ने उस ज़ाब्ता अख़लाक की धज्जियाँ उड़ाईं कि जिसे वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने नाफिज किया था, किस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस कौमी इत्तफ़ाक़ राय की धज्जियाँ उड़ाईं जो मुल्क की तमाम सियासी क़्यादत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI की मौजूदगी में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से किया गया था, किस तरीके से अदालती एहकामात की तौहीन की गई, और सबसे बढ़कर ये कि जब मैंने वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सारी शिकायत बयान की और उन्हें कहा कि वो नोटिस लें कि यहाँ पर सरकारी वसाइल से वफाकी हकूमत अपने वज़रा के ज़रिए ज़ाब्ता अख़लाक़ की धज्जियाँ बखेर रही है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहायत बेबसी के साथ मुझे कहा कि मैं क्या करूँ, मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं ये कहे बगैर नहीं रह सका कि जनाब आपकी कोई नहीं सुनता तो आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। लेकिन ये नाटक, ये ड्रामा गिलगित बल्तिस्तान में किया गया और पाकिस्तान की सिलेक्टेड हकूमत की तर्ज पे गिलगित बल्तिस्तान में भी सिलेक्टेड हकूमत मुसल्लत की गई। लेकिन मैं ये बात ज़रूर रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सलाम है कि जिन्होंने इस तमाम तर धांधली के बावजूद PTI को शिकस्त दी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हर इंतखाब में अगर वफाकी हकूमत की कामयाब होने की दलील दी जाती है तो पीपल्स पार्टी के दौर में जो इलेक्शन हुआ उसमें उन्हें 14 नशस्तें हासिल हुईं, मुस्लिम लीग नून के दौर में 2015 में जब 15-16 में इलेक्शन हुआ तो हमें 16 नशस्तें मिली 2015 में, 16 नशस्तें मुस्लिम लीग नून को मिली। लेकिन जब PTI के दौर में बदतरीन धांधली के साथ, बदतरीन प्री पोल रिगिंग के साथ, बदतरीन इंतजामी वसाइल झोंकने के बावजूद PTI को सिर्फ 8 नशस्तें मिली, PTI सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सकी थी, बिलाखिर उन आज़ाद उम्मीदवारों को दबाव देकर PTI में शामिल कराया गया, जैसा कि पंजाब के अंदर PTI की अक्सरियत नहीं थी, PTI दूसरे नंबर पे आई थी, लेकिन ज़बरदस्ती आज़ाद उम्मीदवारों को PTI में शामिल करवा के पंजाब के सूबे में PTI की हकूमत कायम की गई। ये है वोट की इज्जत की पामाली की कहानी जो पाकिस्तान से शुरू हुई जनरल इलेक्शन में और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी दोहराई गई। लेकिन मैं वार्न करना चाहता हूँ कि अगर किसी ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ऐसा करने की कोशिश की तो वो मोदी का एजेंट होगा, क्योंकि कश्मीर में अगर कोई तनाज़ा पैदा हुआ
उसका बेनिफिशियरी भारत होगा। लिहाजा मैं इस वफाकी हकूमत को, इसकी कश्मीर और शुमाली इलाका जात की वजारत को और उन सिक्योरिटी इदारों को जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में मुदाखलत की, वार्निंग देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल से ना खेलें और आने वाले इंतखाब में पूरी मुस्लिम लीग नून कश्मीर के इलेक्शन में एक एक पोलिंग स्टेशन और एक एक इंतखाबी मरहले पर जाकर निगरानी करेगी और हम किसी को वोट चुराने नहीं देंगे। और इसी तरह अगले कौमी इंतखाब में भी मुस्लिम लीग नून ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुस्लिम लीग नून के शेर पहरा देंगे और अगर किसी ने धांधली की कोशिश की तो उसके नतायज उन्हीं को भुगतना पड़ेंगे। हम पाकिस्तान के अवाम के हक के हुक्मरानी की हर कीमत पर इंशाल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। अब मैं हाफिज हफीज़ुर्रहमान साहब से कहूँगा कि वो इस वाइट पेपर को पेश करें और इसकी तफसील से आपको आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हसन इकबाल साहब और हमारे कायदीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं तमहीद और मामलात पे हसन साहब ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली है। मैं सिर्फ फैक्ट के हवाले से ये वाइट पेपर आपके सामने हम ले आ रहे हैं। इसके अंदर टोटली फैक्ट्स हैं, कोई इल्ज़ाम नहीं है। मतलब सबसे पहला यही है कि 6 महीने से 5 महीने पहले हमारी जो मुंतखब गवर्नमेंट थी उसको थ्रू चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीज किया गया। उसकी तमाम डेवलपमेंट, ऑनगोइंग डेवलपमेंट, सारी चीज़ें जो है वो रोक दी गई। उसके बाद नंबर 2 पे आके हम असम्बली तोड़ रहे थे, रिज़ाइन कर रहे थे, मुक्तदर इदारों ने दरमियान में आके कहा, जिम्मेदारी ली और वहाँ के फेडरल गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने भी कि आपके ये लेटर वापस, अगले दिन वो लेटर वापस हो गया, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद कोई नहीं हुआ। दूसरा जो फैक्ट है इसके अंदर वो शामिल है वो यही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है वो उसके लिए ड्यू प्रोसेस जो था उसको वायलेट किया गया। तीसरा इसके अंदर ये है कि निगरान हुकूमत का क़याम गिलगित बल्तिस्तान में उसका तरीक़ेकार है जैसे नेशनल असम्बली में है वैसे ही सूबों में है। हमारे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया कि वहाँ पर निगरान हुकूमत साफ शफाफ इलेक्शन कराए, उसका इंतखाब किया जाए। उसमें वज़ीर उमूर कश्मीर, उसमें वज़ीर उमूर कश्मीर, चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर, ये 3 लोग मिल के अब जो निगरान चीफ मिनिस्टर का कंसेंसस करेंगे। अगर कंसेंसस नहीं हुआ तो प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार है चेयरमैन को। जब 2015 में इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त वज़ीर उमूर कश्मीर बरजीस ताहिर साहब थे, चीफ मिनिस्टर मेहदी शाह साहब थे, अपोजिशन लीडर हमारी पार्टी के थे जानबाज साहब, अल्लाह जन नसीब करे। इन 3 लोगों ने 3 दिन इस्लामाबाद में बैठ के कंसेंसस के साथ उन्होंने उस वक्त निगरान चीफ मिनिस्टर को अनाउंस किया। इस दफ़ा जब चीफ मिनिस्टर लगाया गया उसमें न चीफ मिनिस्टर से पूछा गया ना अपोजिशन लीडर से पूछा गया, इस्लामाबाद से डायरेक्ट एक शख्स को जो है वो उठा के चीफ मिनिस्टर लगाया गया। जो ड्यू प्रोसेस था निगरान हुकूमत का, वो निगरान हुकूमत का ड्यू प्रोसेस को वायलेट किया गया और डायरेक्ट ही जो है चीफ मिनिस्टर लिया गया। और चीफ मिनिस्टर को इख्तियार नहीं दिया गया कि वो अपनी काबीना बनाए, उसकी काबीना भी वज़ीर उमूर कश्मीर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से तश्कील दी गई। और 14 वजीर, जब हम मुंतखब हुकूमत थे तो 12 वज़रा पे थी हमारी टीम, इन्होंने निगरान 14 वज़रा लगाए और डिस्प्यूटेड लोग, पोलिटिकल लोग, उनको 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बिठाया और उनको कहा कि आपने बंदे तोड़ने। ये भी एक फैक्ट है, ये हकीकत है, ये इल्ज़ाम नहीं है। चौथा इसके अंदर यही है कि सबके बावजूद ड्यू टाइम था इलेक्शन का 22 अगस्त, जो इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमिश्नर ने इशू किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साइन के साथ, वो था 18 अगस्त को जीबी में इलेक्शन होना था, जो ड्यू टाइम था 60 दिन के अंदर अंदर। और हम उसकी तैयारी में लगे, बगैर बताए इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इलेक्शन शेड्यूल गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी किया। हमने जाके उससे पूछा, एपीसी हुई,
उसमें उसने लिख के हमें दिया कोरोना की वजह से हम इसको नहीं कर रहे हैं, हमारे इंतजाम नहीं है। अब इंतजाम किसका था? फेडरल गवर्नमेंट का था, जिम्मेदारी थी, वो 6 महीने पहले वोटर लिस्टों पे काम करती। तो गैर मुइना मुद्दत के लिए इलेक्शन मुलतवी किया गया और उसके बाद उस वक्त तक PMLN से एक भी हमारा इलेक्टेबल नहीं टूटा था, हमारी सारी पार्टी इंटैक्ट थी। जब एम्बिग्यूटी डाल दी, निगरान हुकूमत अपनी बना दी, वजीर उमूर कश्मीर ने वहाँ पंजे गाड़े, फिर लोगों को ये तासुर दिया कि अब इलेक्शन तो होने वाले नहीं हैं, जो PTI में आएगा वो बचेगा, बाकी कोई नहीं बचेगा। और उन्होंने हमारे 8 लोगों को फ्लोर क्रॉस कराया, पार्टी तब्दील करवाई, 3 लोगों पे इतना दबाव डाला कि वो आज़ाद लड़ने पे मजबूर हो गए, और हमारे 4 वुज़रा कैबिनेट के वो जो है वो पार्टी छोड़ गए। जब उनके पास, क्योंकि ये रिकॉर्ड है कि 2015 के इलेक्शन में PTI के पास 1 सीट थी और 1 सीट पे वो नंबर 2 पे थे, बाकी 22 हलकों में उनके कैंडिडेट नहीं थे। इन्होंने जब अपना टारगेट अचीव किया, हमारी तकरीबन पार्टी को तोड़ा और हमारे सारे इलेक्टेबल को छीना, उसके बाद जाके मजबूरन उन्होंने एक इलेक्शन शेड्यूल दे दिया। और उस इलेक्शन शेड्यूल से पहले एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी इस फैक्ट का हिस्सा है, इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं। उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन कमिश्नर ने बुलाया, उसमें तय हुआ कि किसी किस्म का फेडरल मिनिस्टर, वजीर आजम और कोई ऑफिस होल्ड करता हो वो इलेक्शन में, इलेक्शन कंपेन में नहीं आएगा। ये सब के साइन के साथ एक जाब्ता इखलाक इलेक्शन एक्ट 2017 एक्सटेंडेड बाय गिलगित बल्तिस्तान, उसके जनाब जाब्ते के मुताबिक ये इशू हुआ। लेकिन जो ही जब ये हमने साइन किया, उसके अगले दिन ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर का जो है वो शेड्यूल आ गया, और प्राइम मिनिस्टर ने, जैसे हसन साहब ने फरमाया, यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक सियासी जमातों की एक मीटिंग बुलाई GB के सिक्योरिटी इशू के हवाले से, उसको सुबह बनाना है, कब बनाना है, ये इतफाक हुआ कि ये इलेक्शन के बाद इस पर बात होगी, लेकिन इलेक्शन से पहले कोई जमात इसको सियासी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगी। खान साहब ने वहाँ आके ये ऐलान कर दिया, 1 नवंबर को, आप देखें 15 नवंबर को इलेक्शन है, 1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में फौज के जेर निगरानी एक तकरीब होती है, उससे 1 साल पहले भी हुआ थे, मैं वहाँ मौजूद था, उसने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने करने नहीं दी। इस साल उन्होंने 1 नवंबर जश्न आज़ादी गिलगित में कर्फ्यू लगा के वहाँ सिक्योरिटी इदारों के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब होती, वहाँ पे जो पॉपुलर नारा है उस इलाके का, उसको आईनी सुबह ऐलान कर दिया। आप देखें 1 नवंबर को आप आ रहे हैं, 15 को इलेक्शन है, आप 15 दिन पहले आके इतनी बड़ी जो है वो ऐलान करते हैं, ये फैक्ट है, ये हकीकत है। और उसके बाद आप देख लें कि जो इलेक्शन डेज पे जो कुछ हुआ, वोटर लिस्ट बाय डिज़ाइन साइंस के तहत उन्होंने बनाई कि यहाँ के वोट को उस कोने में फेंक दिया, वहाँ से उस कोने में फेंक दिया, और तैयारी करने नहीं दी, मर्जी के वो जो भी लगाए थे। लिहाजा ये जो वाइट पेपर है, इसके अंदर वो सारे फैक्ट्स हैं, हकाइक हैं, कि जो फिर हम कोर्ट चले गए, ये भी रिकॉर्ड है इसके अंदर, हमने हाई कोर्ट से रिजू किया कि जनाब ये ज़ाब्ता इख़लाक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म जहाँ आके ऐलानात कर रहे हैं, इनको रोका जाए। तो इस्लाम गिलगित बल्तिस्तान की हाई कोर्ट ने, चीफ कोर्ट ने फैसला दिया इन वज़रा को 24 घंटे 48 घंटे में GB से बदर किया जाए, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, इनको निकाला जाए। इन्होंने उस हाई कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी पर फेंका और वहाँ 5-5, 10-10 वजीर एक एक हलके में घुसे रहे। उसके बाद ये सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में चले गए, जी ये गलत फैसला हुआ है। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने उस फैसले को इंडोर्स किया, हाई कोर्ट के फैसले को, उस सब के बावजूद भी इलेक्शन के बाद भी, एक ज़िमनी इलेक्शन था छोटा सा एक हलके का, उस तक वफाकी वज़रा वहाँ रहे, बावजूद कोरोना के वहाँ जलसे वगैरह करते रहे। तो लिहाजा ये बात साबित होती है GB का इलेक्शन जो है वो टोटली मैनिपुलेट किया गया, टोटली कंट्रोल किया गया, हर सतह पे बेजाबतियाँ की गई, हर सतह पे इसके अंदर जो है सबूत हमारे जो है इसके अंदर एक एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल लेटर्स मौजूद हैं, तमाम सबूत मौजूद हैं। हम समझते हैं कि ये आज ये वोट को इज्जत दो का जो नारा है, ये अब हमारे जैसे इलाकों में फसाद क्यों होता है? अब वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत लाई गई है जो आवाम की नहीं है, वो सारी गुज़श्ते 2 महीने से इस्लामाबाद में बैठी है, एक एक शख्स हुकूमत का, यानी आज आप देख लें उन्होंने 22 जोड़ तोड़ के बंदे बना लिए, 22 के 22 वजीर हैं, बल्कि पार्टी के जितने भी थे टोटल इस वक्त काबीना है 23 लोगों पे मुश्तमिल।
मावन खसूसी इसको, तो ये आके इस्लामाबाद बैठे, एक इनसे लोग पूछते हैं यार इलाका आपका जीबी आप यहाँ क्या करें, कहते हैं ये हमें कौन सा आवाम ने जिताया है, हम अगली दफा फिर इसी तरह आएंगे। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान जैसा असास खित्ता जहाँ 5 साल PMLN की हुकूमत रही नवाज शरीफ साहब की क्यादत में, एक भी दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ, 100% वहाँ बजट यूटिलाइज होता रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतरीन हो गया। आप देख लें कि वहाँ 5,000 टूरिस्ट नहीं आता था, 15-15 लाख टूरिस्ट आने शुरू हुए, बेड गवर्नेंस नहीं थी, गवर्नेंस अच्छी थी। आज हमें खदशा है खुदा न खास्ता 15 दिन गिलगित शहर में आग लगती रही, अभी यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया था एहसन इकबाल साहब ने पहला, जीबी का पहला, उस पर आग लगाई गई है, उसका अभी तक जो है कोई एक मुजरिम नहीं पकड़ा गया, एक बंदा इन्वेस्टिगेशन में नहीं है, इसलिए कि प्रेशर ग्रुप सी हुकूमत बनी है, एक इधर से दबाव डालता है उधर से। गिलगित शहर में 22 गाड़ियां जलाई गई, 3 सरकारी दफातर जले हैं, एक बंदा अरेस्ट नहीं है, आए रोज वहां पे छोटे मोटे वाकयात शुरू हैं। तो लिहाजा जब वोट को चोरी करके, बक्से चोरी करके जाली मैंडेट के साथ लोगों को बिठाया जाता है, तो हमें डर है, हमने मुश्किल से उस इलाके को बचा के रखा था नए पाकिस्तान से, अब वहाँ पे भी ये नए पाकिस्तान के मनहूस साए वहाँ पड़ गए। गिलगित बल्तिस्तान में आवे का हवा बिगड़ता जा रहा है, खुदा न खास्ता अगर ऐसे सिलसिला आज़ाद कश्मीर में भी होता है तो हमें बताएं, फिर बाद में कहा जाता है हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर ये फोरम नहीं है, ये वक्त नहीं है, आप फिर लोग अलग किराया बनाते हैं। हम एक एक सबूत इंशाल्लाह ताला आगे भी ले आएंगे, किस किस इदारे का क्या रोल रहा, किस किस किसने वहाँ पर मैनिपुलेट किया है। एक अच्छी चलती फिरती हुकूमत नवाज शरीफ साहब को आज से 4 साल पहले नाइल करके सो कॉल्ड पाकिस्तान को कहाँ पहुँचाया गया, उसकी पार्टी को वहाँ से फारिग करने के लिए जीबी के साथ क्या सलूक किया गया। लिहाजा हम यही अपनी लीडरशिप से भी ये गुजारिश करते हैं, एहसन साहब को मैं ये पेश कर रहा हूँ, और हम PDM से भी अपनी पार्टी की लीडरशिप से गुजारिश करेंगे कि इसको PDM के एजेंडे में रखा जाए और जीबी के इलेक्शन के ऊपर फैक्ट फाइंडिंग करवाई जाए पूरी, बेशक अपने तौर पे भी, और मुझे उम्मीद है PDM अपने तमाम पार्टियां इस बात पे इत्तेफाक करती हैं जीबी के इलेक्शन रिक है। जब भी ये सिलेक्टेड हुकूमत इस्लामाबाद से ख़त्म हो, हमारा मुतालबा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में असर रहो दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम इन्वॉल्व नहीं हुए थे, वो खुद इन्वॉल्व हुए थे। नहीं, हम इन्वॉल्व नहीं हुए थे, उन्होंने खुद आके मीटिंग्स की थी चीफ मिनिस्टर्स को, और तो कोई वहाँ अथॉरिटी है ही नहीं। क्या प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ में आके एक हफ्ता रहा, इसने टाइम नहीं दिया, वो लोग खुद आ गए जी आप लोग इस्तीफा ना दें, हम ये जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली, जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये बात देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सियासत में बहुत फ़र्क है, गिलगित बल्तिस्तान में निगरान हकूमत वफाकी हकूमत की पसंद से बनती है, आज़ाद कश्मीर के अंदर जानिबदार निगरान हकूमत बनाने का कानून नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन की रवायत है वो बहुत पुरानी है, गिलगित बल्तिस्तान में तो ये गालबन 2009-10 से इंतखाबी अमल एक बाकायदा शुरू हुआ था, जब पार्टी बेस वहाँ पे इलेक्शन का आगाज़ किया गया था। लेकिन आज़ाद कश्मीर में हर हमारा MLA कम अज़ कम 5-5, 4-4, 6-6 दफ़ा मुंतखब हो चुका है, और वहाँ पे जो सियासी अमल और जमातों की जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं और उनकी रवायात भी बहुत मजबूत हैं। तो
तो लिहाजा मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये अपना खेल नहीं खेल सकेंगे, चूँकि वहाँ पर निगरान हकूमत वफाकी हकूमत की मर्ज़ी से सियासी बुनियादों पर बनाने का चोर दरवाज़ा मौजूद नहीं है। एहसन साहब, हमने देखा कि जब 2018 के इलेक्शन हुए तो जो हशर के साथ पंजाब में या बाकी लोगों में हुआ कि आपके बंदे नहीं मिल रहे थे, वही शिकवा अभी हाफिज साहब ने किया कि आपके बंदे तोड़ लिए गए और आप मजबूर हो गए। अगर आज़ाद कश्मीर में या नए इलेक्शन में भी यही कुछ होता है और आपके हाथ पाँव बांध दिए जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? क्या इसी तरह? देखिए, ये तो फिर आप जो बात कर रहे हैं ना, अगर ये सिलसिला नहीं रुकेगा तो पाकिस्तान को सिविल वॉर की तरफ झोंक दिया जाएगा, पाकिस्तान को एनार्की की तरफ झोंक दिया जाएगा, पाकिस्तान को बदतरीन अदम इस्तेकाम की तरफ झोंक दिया जाएगा। लिहाजा मैं एक बार फिर जो पाकिस्तान के कौमी इदारे हैं उनको भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेकाम है उसकी बुनियादी वजह वोट को इज्जत ना देना और वोट की पामाली है। मशरकी पाकिस्तान हमसे इसीलिए जुदा हुआ कि हमने मशरकी पाकिस्तानियों के वोट की इज्जत नहीं की। ये दुनिया की वाहिद और आखिरी मिसाल है कि किसी मुल्क से उसकी अक्सरियत ने रास्ता जुदा कर लिया। मशरकी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान बनाने वाले थे और अक्सरियत में थे, लेकिन उनके वोट को पामाल करने के नतीजे में वो भी मजबूर हुए कि पाकिस्तान से अपनी राहें जुदा कर लें। तो इस बचे कुचे पाकिस्तान को अगर मजबूत करना है तो आवाम के हक हाकमी को दिलो जान से कबूल करना होगा। जिस दिन से पीडीएम बनी है, हकूमती तर्जुमान पीडीएम को हर मीटिंग पे तोड़ते हैं और हर मीटिंग पे पीडीएम पहले से ज़्यादा मजबूत होकर निकलती है। पीडीएम में शामिल तमाम जमातें उस मुश्तरका इलामिये पर कारबंद हैं जो 20 सितंबर को इस्लामाबाद में मंजूर किया गया था, और उसकी तकमील तक वो इंशाल्लाह ताला मिलकर जद्दोजहद करेंगी। और पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च तारीखी लॉन्ग मार्च होगा और लोग चेयरमैन माओ के लॉन्ग मार्च को भूल जाएंगे। वो मैंने उसी दिन वजाहत कर दी थी कि उसको सियाह को सबक छोड़ के बात की गई थी। इलेक्शन में हम एक दूसरे के खिलाफ जब लड़ रहे हों तो इख्तलाफी बात होती है। वो कोई हमने सिंध हुकूमत पे इल्ज़ाम नहीं लगाया था, मकामी जमात के साथ पीपल्स पार्टी का इशू था और वो हमने उसी दिन वजाहत कर दी थी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मरियम साहब इजाज़त। और जा रहे हैं इजाजत लेके जाते हैं।